एक घंटा मेरीनेट करने के बाद कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ इसमें। गैस ऑन करके तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। तेल को गर्म हो गया। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं इसको भूंजूंगी, एक एक करके। चिकन सब फ्राई करके मैं उठा ली हूँ। तेल में पहले गोटा लहसुन छोटा छोटा करके काट के रख के, प्याज शिमला मिर्च प्याज सबको एक साथ फ्राई करेंगे। लो फ्लेम में थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार कम ही देंगी क्योंकि मैरिनेट किया हुआ मैं इसमें नमक डाली हुई। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च गोटा, सबको थोड़ा फ्राई होने तक इसको भून लूँगी। उतना ही भूनना है जितना कि इसका पूरा काला नहीं, ये ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद फ्राई हो जाने के बाद थोड़ा कलर चेंज होने तक इसको भुनना है।
इस समय टमाटर सॉस 4 चम्मच, दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस, थोड़ा देर तक फ्राई होने देंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद सोया सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, मैं ज़्यादा इसको रीच नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर के बच्चे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा तीखा कोई खाने नहीं चाहते हैं बच्चे लोग, थोड़ा हल्का मसाला से मैं इसको बना रही हूँ। एक चम्मच थोड़ा पानी डाल देती हूँ, इसी समय कॉर्नफ्लोर दे देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा देर तक पकने देंगे। मेरा शिमला मिर्च भी गल चुका है, थोड़ा चेक कर लेती हूँ, पूरा ये शिमला मिर्च भी पक चुका है। ग्रेवी गाढ़ा होने लगा है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब मैं जो चिकन को भून के रखी हूँ फ्राई करके, उसको मैं इसमें धीरे धीरे डाल रही हूँ। फ्राई चिकन डालने के बाद थोड़ी देर तक उसको ऐसे बॉयल करना है, ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा होने तक बॉयल करना है। कॉर्नफ्लोर का पानी थोड़ा सा डाल देंगे,
ग्रेवी गाढ़ा हो गया और पक चुका है। इसी पोजीशन में मैं इसको गैस को ऑफ कर दूंगी। साफ करने के लिए प्लेट में डाल रही हूँ। चिली चिकन बनके रेडी होगी। आपको मेरे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।